नमस्कार दोस्तों, वेलकम विजन लोग। आज हम देखेंगे इंटरनेट, इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, इंटरनेट कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है इंटरनेट और इंटरनेट होता क्या है। इस इंटरनेट के पे आजकल पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड डिपेंड है, हम भी डिपेंड है। हम भी बिना इंटरनेट के एक मिनट भी बाहर नहीं रह सकते, ठीक है। हमें हर काम के लिए, किसी भी पेमेंट करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो उसका इंटरनेट देखेंगे हम, क्या होता है और इंटरनेट की वर्किंग कैसे होती है। इंटरनेट को बोला जाता है कि दैट इज ए लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो हमारी डिवाइसेस होती हैं और जो कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग डिवाइस, अलग अलग कंप्यूटर, जो भी हमारे नोड बोलते हैं, इन सब का एक नेटवर्क है जो वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं, कि नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे एक साथ कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क ही आता है, इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट वाइड एरिया। अगली चीज को बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क मिलके एक साथ बड़े नेटवर्क बनते हैं, फिर बड़े नेटवर्क एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो पूरी दुनिया के सारे नेटवर्क हमारे एक साथ मिलते हैं। जैसे हम अपने एक मोबाइल के थ्रू दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू, हमने डेटा कनेक्ट कर लिया, तो ये हमारे क्या हुआ, दोनों नेटवर्क हमारे कनेक्ट हुए, तो इसको भी हम एक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं। यहाँ पर तो मैंने दो की बात की, नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं जैसे लैन, वैन, मैन, ठीक है। और जो हमारे सबसे बड़ा नेटवर्क आता है, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और इस वाइड एरिया नेटवर्क के साथ सारे लैन वैन सब कनेक्ट होते हैं एक साथ, तो वो बनता है हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। दैट कनेक्ट ऑल नोड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सारे हमारे नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। और इंटरनेट जो यूज करता है, तो वो हमारे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट यूज करता है टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, एक फाइल को दूसरी फाइल तरफ ट्रांसफर करने के लिए जो यूज कर रहा है, वो TCP/IP प्रोटोकॉल हमारा यूज करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके दूसरी वीडियो है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो इंटरनेट इसी के ऊपर चलता है, TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर। और TCP/IP प्रोटोकॉल को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैसे ये वर्क करता है, कितनी इसके अंदर लेयर होती हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं। अगली चीज़ हम जो हम बात की कि सारे नोड कनेक्ट हो रहे हैं, तो नोड क्या होते हैं। नोड हमारी हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाती है। एक कंप्यूटर हो गए, राउटर हो गए, टेलीफोन लाइन हो गई, ठीक है, तो ये सब हमारे उस नोड में आते हैं। अभी वर्क कैसे करता है इंटरनेट, जैसे हमने किसी को मैसेज भेजा, हमें मतलब मान लो गूगल पे हमने कुछ सर्च किया, तो गूगल पे जैसे हम अलग अलग टाइप की, ये जो वर्क करता है इंटरनेट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब कि एक हमारा क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने अपनी को रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है। उसकी जो रिक्वेस्ट है, मान लो उसने गूगल पे कुछ सर्च किया है, जो भी उसकी रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारी जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो हैं जो हमारे और इंटरनेट, मतलब फाइनल जो सर्वर्स होते हैं, ये वेब सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, उनके बीच में एक तरह से मीडियम का काम करते हैं या मीडिएटर का काम करते हैं। इस मीडिएटर बनने के लिए वो थोड़ी बहुत फीस लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना चार्ज लेते हैं, और वो हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर्स के पास पहुँचाते हैं, सर्वर को जो भी आंसर होगा उसे हमारे पास पहुँचाते हैं। ये हमारे सिग्नल को सर्वर्स तक, सर्वर के सिग्नल को हम तक पहुँचाने का काम करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वीडियो में आप देख सकते हैं क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। मेरी दूसरी वीडियो है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करी, तो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ये क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है। अब क्लाइंट जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो यहाँ पर हमारे दो, पहला जब एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से रिक्वेस्ट निकलती है, ठीक है, जब रिक्वेस्ट सेंड होगी तो वो मल्टीपल कन्वर्जन के बाद अलग अलग लेयर के थ्रू हमारी वो रिक्वेस्ट ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जैसे अलग अलग कन्वर्ट होती है, बिट में डेटा से सिगमेंट में जाएगी, बिट में कन्वर्ट होगी, इस टाइप से हमारी, और वो बाया राउटर मॉडम होते हुए फाइनल जो होगी, जो भी हमारा पाथ हो, उसके थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस रिक्वेस्ट को सर्वर्स के पास भेजता है, और ये जो सर्वर होता है, ठीक है, ये सर्वर इसी टाइप के नंबर ऑफ सर्वर्स कलेक्ट हो गए, हमारे डेटा सेंटर बनाते हैं। डेटा सेंटर बनता है इन नंबर ऑफ सर्वर को कनेक्ट होकर, ठीक है। इसी में हमारा सारा डेटा रखा होता है, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी हमें चाहिए होता है, जो भी, तो वो सब आपस में, जो नंबर ऑफ सर्वर है, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर की तरफ जा रहा है या क्लाइंट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ आ रहा है, ये सिग्नल हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। मतलब ये एनालॉग ऑलरेडी जो डिवाइस थी, डिवाइस ने डिजिटल सिग्नल भेजा, डिजिटल हमारा एनालॉग में ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। एनालॉग होने के बाद में फिर वो यहाँ पर क्या होगा, फिर डिजिटल डिजिटल में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पर एनालॉग में ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिजिटल में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइप से हमारा पूरा पाथ चलता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे ये जो हमारी कनेक्टिविटी होती है, ये टेलीफोन लाइन या जो भी हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर जो भी हम केबल यूज करते हैं उनके थ्रू ही हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं। जो हमने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट के थ्रू हमारी मॉडम या फिर राउटर के थ्रू होती हुई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहुंचती है, वो सर्वर के पास भेजता है। सर्वर उसका जो भी रिप्लाई होता है वो वापस क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस जो फाइनल जो होगा उसको हमारे पास भेजता है। तो पहले हम जो है एज ए सेंडर वर्क करते हैं और बाद में हम क्या है एज ए रिसीवर वर्क करते हैं। जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो हम सेंडर हैं, और जब उसी जो वापस जो रिक्वेस्ट आई, जो हमारा रिप्लाई आया, उसको हम क्या करते हैं रिसीव करते हैं, तब हम एज ए रिसीवर की तरह वर्क करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो इस टाइप से जो हमने रिक्वेस्ट भेजी तो इस टाइप से वो अलग अलग केबल के थ्रू, ठीक है, दुनिया की किसी भी कोने में पहुंचती है। जैसे मान लो कि इंडिया से कोई रिक्वेस्ट भेजी तो मुंबई एक हब आती है, मुंबई हब के थ्रू हमारी अलग अलग लोकेशन में पहुंचती है। मान लो यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई सर्वर रखा हुआ है या यूरोप के अंदर कोई सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ की क्या होगी, वहाँ पर वो रिक्वेस्ट जाएगी और उसका रिप्लाई हमारे तुरंत हमें, ठीक है, चंद मतलब मिली सेकेंड के अंदर वो रिप्लाई हमें इजीली मिल जाता है। तो इस टाइप से पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप से जो अलग अलग केबल हैं ये बिछी रहती हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारा पूरा इंटरनेट का ट्रांसमिशन होता है। तो इंटरनेट की केबल हैं, जो एक्चुअल में इंटरनेट की केबल हैं, वो सब हमारी समुद्र के अंदर बिछी हुई हैं, इस टाइप से समुद्र के अंदर बिछी रहती हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारा सारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अब हम ये कैसे वर्क कर रहा है इसको हम देखेंगे। जैसे हमने अपना जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप लिया उसके थ्रू हमने क्या है कोई भी रिक्वेस्ट ट्रांसमिट की, रिक्वेस्ट हमारी जो है राउटर से होती हुई, मॉडम से होती हुई हमारी फाइनल कहाँ जाती है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, नंबर ऑफ सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, और वो सर्वर सब एक साथ आगे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ये हमारा होता है क्योंकि यहाँ पर सारे एक साथ कनेक्टिविटी होती है, सब एक साथ कनेक्ट होते हैं। बस जो हमारा एक हमको मतलब हमारा जो सिस्टम है उसको कनेक्ट करना होता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हमारा रास्ता चाहिए होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस टाइप से हमारा ये काम करता है। तो जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो हमारी इंटरनेट की रिक्वेस्ट होती है, जैसे हमने कोई मैसेज टाइप किया और उस मैसेज को क्या होगा वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे हमने कोई मैसेज टाइप किया, ठीक है, वो क्या होगा कोई डेटा है, और वो डेटा हमारा क्या होगा सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेगमेंट, और वही सेगमेंट हमारा क्या होगा पैकेट में कन्वर्ट होगा, और वो पैकेट हमारे फिर फ्रेम में कन्वर्ट होंगे, और फ्रेम के बाद में वो हमारे बिट में कन्वर्ट होंगे। बिट मतलब जीरो और वन की फॉर्म में हमारे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और बिट हमारी क्या होगी फिर अलग अलग डिवाइस के पास, जो हमारे डिजिटल सिग्नल था वो एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट होगा, और एनालॉग सिग्नल वो ट्रांसमिट होता है इन वायर के अंदर, अलग अलग फॉर्म में हमारा वो एनालॉग सिग्नल इस टाइप से हमारा ये ट्रांसमिट होता है। तो इस टाइप से हम कोई भी इंटरनेट से हम किसी चीज़ को सर्च कर पाते हैं, ठीक है, और इसी टाइप से हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। तो सर्च करते हैं या फिर हमें मेल ट्रांसफर मेल भेजना होता है, ठीक है, मेल के लिए जैसे अलग प्रोटोकॉल आता है, तो इसी टाइप के नंबर ऑफ प्रोटोकॉल एक साथ मिलते हैं और इस टाइप से हमारा इंटरनेट वर्क करता है। तो ये था हमारा कि इंटरनेट और इंटरनेट का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।